स्टूडेंट्स अंकुश स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं अंकुश सैनी नंबर हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्यापत्ति में आज प्रश्नावली 1.6 करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.6 करने से पहले एक सूत्र है छोटा सा, वो देख लीजिए आप। पहले आप सूत्र देख लीजिए और इसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप आराम से कर सकते हो। देखिए ये होता है, आप कोई नंबर है ए की पावर 1/n है, मतलब कोई संख्या है ए और ए की घात 1/n है। तो आप इसको पता कैसे लिख सकते हो, इस n को आप यहां पर लिख सकते हो, अंडर रूट लगा सकते हो और इस a को ऐसे लिख सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। ए की घात 1/n है तो आप इस n को यहां लिख सकते हो और फिर अंडर रूट लगाकर a अंडर रूट में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है देखिए, ये याद रखिए आप, ये सूत्र है छोटा सा। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, मैं आपसे कहूं कि 9 है और 9 की घात 1/2 है, तो कुछ कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ए की जगह हमने 9 ले लिया और एन की जगह 2 ले लिया यहां पर, तो 9 की घात 1/2। अब n हमने कहां लिख देते अंडर रूट के बाहर, तो इसका मतलब हम 2 को कहां लिख सकते हैं, अंडर रूट के बाहर। फिर अंडर रूट लगाएंगे और a हमने कहां लिख देते अंडर रूट के अंदर, तो 9 कहां लिख देंगे, अंडर रूट के अंदर। अब इस 2 का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर अगर 2 होगा तो इसके हमको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे। 3 होगा 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 होगा 4, 5 होगा 5, 6 होगा 6। उसी हिसाब से आपको अंदर संख्या दी जाएगी। मैंने यहाँ पर 9 ली है तो इसके 2 ही हो सकते हैं, तो देखिए 2 है, तो मतलब इसको मैं देखिए 2 टुकड़े कैसे कर सकते हैं आप 9 के। टुकड़े का मतलब होता है गुणनखंड, जैसे 3 × 9, तो 3 × 9 3 × 3 ये होते हैं आपके गुणनखंड। तो 9 को हमने 2 जगह अलग अलग कर दिया, 3 × 9, क्योंकि यहाँ पर बाहर 2 था, यहाँ पर 2 होता तो इसलिए हमने किसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 गुणनखंड कर दिया, इसके 2 अलग अलग 2 जगह बांट दिया इसको। तो जब आप इसका अंडर रूट हटाओगे, ये वर्गमूल और ये 2 हटाओगे, तो क्या होगा, इसमें से एक ही संख्या बाहर आएगी, क्या 3। इस तरीके से ये सवाल आपके मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ए की पावर 1/n है, ए की घात 1/n, तो उसमें क्या होगा, एन अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर जो ए होगा वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। मतलब कोई संख्या होगी ए की जगह तो वो अंदर आ जाएगी और कोई संख्या n की जगह होगी तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 9 की घात 1/2 था तो बराबर 2 बाहर आ गया और 9 अंदर आ गया। अब ये 2, इस 2 का मतलब यहाँ पर है कि 9 को हमको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे 9 के। अब जब ऐसे गुणनखंड कर देंगे आप 3 × 9, तो फिर आप जो इसका वर्गमूल और ये 2 हटाओगे ना यहाँ से, तो ये आपका एक संख्या बाहर निकल के ऐसे आ जाएगी एकदम। तो ये आंसर आया इसका 3। यहाँ पर जितनी संख्या होगी उसके उतने ही गुणनखंड करने होते, अगर यहाँ पर 3 होती तो 3 करने पड़ते, 4 होती तो 4, फिर संख्या भी आपको उसी हिसाब से दी जाएगी कि उसके गुणनखंड इतने हो सकते हों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.6 का, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है आपको, ज्ञात कीजिए, यही तो कहा गया है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्या है, 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2, तो 64 की घात 1/2 है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये है 64 की घात 1/2 है, अब मैंने आपको बताया तो आप यहां लिखिए, हम जानते हैं कि a की पावर 1/n इज इक्वल टू n, यहां पर आएगा और ये जहां आपका जो a होगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, a हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसके चिन्ह का मतलब ये होता है कि जिधर कोई खुला होता है ना वो संख्या बड़ी होती है। मैं आपसे कहूं कि यहां पर 10 है, यहां पर 3 है, तो 10 बड़ा है 3 से, तो जिधर को इस चिन्ह का मुंह खुला होता है ना, ये जो चिन्ह है ना, ये उधर की संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो चलिए
देखिए मैंने इसलिए सूत्र लिखाया था आपको क्योंकि सूत्र का हमको सहारा लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक ही घात एक बटे एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 64 की घात एक बटे दो, 64 की घात एक बटे दो है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ही घात एक बटे एन, तो ये 64 की घात एक बटे दो, एन की जगह क्या है यहाँ पर दो है, तो हम इसको दो को बाहर लिख सकते हैं अंडर रूट। ए की जगह क्या है यहाँ पर 64 है, तो इस 64 को अंदर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। बराबर, अब ये दो है बाहर यहाँ पर, इसका मतलब 64 के हमको दो टुकड़े करने पड़ेंगे क्योंकि दो है ना बाहर, चार होता तो चार करने पड़ते। अब दो 64 के इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, दो। तो कैसे करोगे, 8 8 64 होता है ना। देखिए टुकड़े करेंगे ना वो एक से ही करेंगे, आप ऐसे नहीं करोगे 16 चौका 64 या 32 दूनी 64, ऐसे नहीं करोगे आप, एक से ही गुणा कर, 8 8 गुणा 8 इस टाइप से करोगे। ये इसका एक मतलब होता है वर्गमूल निकालने एक तरीके से। तो क्या आएगा, 8 गुणा 8। आप ऐसा ना करते ना 16 गुणा 4 कर दो, नहीं एक से करने 8 8 तो 8 ही 8 के चलेंगे, 8 गुणा 8। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप तो 8 8 64। अब ये वर्गमूल भी हटाना, ये दो भी भगाना यहाँ से, तो क्या करोगे आप एक संख्या उठाओगे बाहर से और ये आंसर। तो इसका आंसर आया पहले का 8, तो 64 की घात 1/2 का आंसर क्या है 8। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना, ठीक है। लेकिन आपको एक करके दिखाना होता है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक का सेकंड पार्ट, 32 की घात 1/5 है, 32 की घात 1/5। तो यहाँ पर फिर वही देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं और जानते भी हैं भाई इससे पहले क्या हमने, हम जानते हैं कि ए की घात 1/n को हम लिख सकते हैं n अंडर रूट में a, जहां a बड़ा होगा 0 से, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है अब तक। 32 की घात 1/5 आया सवाल, तो इतना तो हम जानते हैं क्योंकि हमने पहले यही पढ़ा था, और इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हम 1/a की घात n को n अंडर रूट a लिख सकते हैं। तो क्या है ये 32, तो 32 की घात 1/5 है, तो n की जगह क्या है यहाँ पर 5, n की जगह 5 है, तो 5 कहाँ पर आएगा अंडर रूट के बाहर, और अंडर रूट a की जगह क्या है 32, तो 32 कहाँ पर आएगा अंदर, 32 अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए 32 के ऐसे टुकड़े करने जो 5 जगह हो सकता हो, 5 बार गुणनखंड आए, 5 आया ना यहाँ पर, अभी आया सवाल देखिए आपका, तो 5, तो चलिए 32 का टुकड़े कर लीजिए, हमको करने एक से ही होते हैं, ऐसे नहीं अलग अलग, ऐसे नहीं कर सकता 8 चौक 32 या 2 16 दूनी 32, नहीं दो के चलेंगे इसमें 32 के टुकड़े, 2 की घात 5 आएगा, 2 5 बार आएगा, तो 2 2 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 16 दूनी 32 या कुछ और कर दो, नहीं एक से ही संख्या के टुकड़े चलेंगे गुणनखंड। तो ये 32 है, तो देखिए इसको 2 से काटिए, 2 ही आएगा 5 बार, 2 1 2 16 दूनी 32 होते नहीं होते, फिर 16 को काटिए, 2 8 16, फिर 8 को 2 से 2 चौक 8, फिर 4 को 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 को 2 से, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, मतलब 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होंगे 5 अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, ऐसा आप लिखोगे। ये समझ में आ रहा है आपकी, बाहर 5 था ना, तो 32 के टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे जो 5 बार हो सके। तो 2 है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 आ गया, और टुकड़े भी देख लीजिए आप कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 5 हो रहे। अब यहाँ से आप 5 हटाओगे और ये अंडर रूट हटाओगे, क्या करेंगे इसमें से 1 2 लिखेंगे बस। जब आप अंडर रूट या वर्गमूल या बाहर से संख्या हटाओगे ना, सिर्फ 1 लेनी बाहर, ठीक है। तो कितना आया 2, ये समझ में आया, खुद से कीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, 125 की घात 1/3, तो इसको भी ऐसे करेंगे बिल्कुल, चलिए करें, हम जानते हैं कि 1 की घात 1/n को क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट a,
ऐसे लिख सकते हैं, जहां a बड़ा होगा जीरो से, जहां ये जो मान होता ना जीरो से बड़ा होता। तो ये लाइन तो आपको लिखनी होती, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा होता, हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि घात एक बटा एन को आप एन अंडर रूट ए लिख सकते हो। तो क्या है 125 की घात एक बटे तीन, 125 की घात एक बटे तीन, तो एन की जगह क्या है यहाँ पर तीन, तो तीन भाग लिख सकते हो आप, और 125 अंदर लिख सकते हो, ठीक है 125 अंदर लिख सकते हो। अब 125 के टुकड़े तीन जगह करने हैं हमको, क्योंकि तीन है भार यहाँ पर, तीन है ना भार यहाँ पर, तो तीन जगह करने हैं, मतलब घनमूल निकालना। तो 125 के कर दीजिए आप, पाँच पाँच आएगा, तीन बार पाँच धुनी दस, दो बचा पाँच पंजे पच्चीस, पाँच धुनी दस, दस आ गया दो बचा, और पाँच पाँच पंजे पच्चीस, फिर पाँच पंजे पच्चीस, पाँच बार जाएगा, और फिर पाँच चिकन पाँच, तो पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच, तो मतलब इसके आप लिख सकते हो पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच, आप देख रहे हो तीन है, तो तीन बार आ गया, और गुणाई भी करके देख लीजिए, पाँच पंजे पच्चीस पंजे 125, तो जब आप इसका ये संख्या हटाओगे तीन यहाँ से, और ये वर्गमूल का चिन्ह हटाओगे, तो क्या एक संख्या निकल करके बाहर आ जाएगी, कितना आंसर पाँच। ये आपका रफ है, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया पाँच आया, तो समझ में आए, आप इनको एक बार खुद से कीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा बहुत बहुत हल्के सवाल है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर दो, तो एक क्वेश्चन नंबर दो आपका थोड़ा सा अलग है पहले से, थोड़ा सा क्या है कि उसमें पहले आपको हर हर में दिया था, जो घात थी आपकी उसको हर में था, वो बाकी अंश में एक चल रहा था, लेकिन इसमें अंश में भी एक है, कोई नहीं ये भी आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही होंगे, थोड़ा सा एक स्टेप फालतू चलना पड़ेगा। लेकिन 9 की घात 3 बटे 2 दिया है आपको ये क्वेश्चन नंबर दो का पहला, तो सबसे पहले तो हम अपना वही करेंगे जो प्रोसेसिंग हमारी होती है, हम जानते हैं कि a की घात 1 बटे n बराबर n भार आ जाएगा यहाँ पर, और ये होता है जहाँ a इज इक्वल टू या a ग्रेटर देन 0। तो ये तो सब हम पहले से ही करते आ रहे हैं। अब ये क्या है, 9 की घात 3 बटे 2 है, 9 की घात 3 बटे 2, तो आप एक बात है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, अब इसमें आपका जो पहले आपने सूत्र याद किया था ना वह काम आएंगे, 9 की घात 3 बटे 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बटे 2 गुणा 3, 9 की घात 1 बटे 2 गुणा 3, मतलब मैं आपसे कहूं कि 3 बटे 2 है, तो आप इसको 1 बटे 2 गुणा 3 लिखिए, लिख सकते हो भाई, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही तो है, इसकी गुणा कर दोगे तो 3 बटे 2 हो जाएगा, और इसको अलग अलग कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो हमने इसको घात को इसको अलग अलग कर दिया, 1 बटे 2 गुणा 3 कर दिया 3 बटे 2 को। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये बनेगा हमारा 9 की घात 1 बटे 2 ब्रैकेट लेंगे, और इसकी पूरी घात 3। अब ये कहोगे सर ये कहाँ से आया, देखिए सबसे पहले हमने कुछ दिन पहले भी सूत्र पढ़े थे, 9 की घात 1 बटे 2 हमने क्या पढ़ा था, a की घात m की घात n पढ़े थे, a की घात m गुणा n, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है परसों तरसों, ऐसा ये सूत्र होता है, a की घात m ब्रैकेट की घात n, n और m इधर उधर हो सकता है लेकिन होगा ऐसे ही, तो a की घात m गुणा n लिख सकते हैं इसको। तो जब हम इसको m गुणा इसको m गुणा n लिख सकते हैं, a की घात n को m गुणा n लिख सकते हैं, तो m गुणा n को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको 9 की घात 1 बटे 2 गुणा 3 को 1 बटे 2 9 की घात 1 बटे 2 पूरा ब्रैकेट की घात 3 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को भी भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, मतलब लिखेंगे चलता रहेगा, लेकिन हम पहले ब्रैकेट के अंदर का मामला निपटाएंगे, इसको 3 को भी आप किनारे कर दीजिए, तो 9 की घात 1 बटे 2, अब ये इस देखिए 9 की घात 1 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर वाले को देखिए, अभी आप बाहर वाले को छोड़ दीजिए, 9 की घात 1 बटे 2 इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने क्या था देखिए पहले एस को ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 9 और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर
ये ऐसे ही चलता रहेगा आपका ब्रैकेट के बाहर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो अंडर रूट तीन गुणा तीन, ऐसे लिख सकते हैं नौ को, क्योंकि बाहर दो है ना अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के बाहर दो है तो इसके नौ के टुकड़े दो बार करने पड़ेंगे, तीन या नौ, ये तीन अपनी जगह चलता रहेगा। अब ये दो हटाएंगे अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा तीन, इसका मान आया तीन ब्रैकेट के अंदर वाले का मान, और ये घात अपनी जगह चलती रहेगी तीन। अब कर दीजिए तो अब बचा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तो तीन त्या नौ त्या सत्ताईस, तीन त्या नौ नौ त्या सत्ताईस, सत्ताईस इसका आंसर। देखिए हमने क्या किया, नौ की घात तीन बटे दो को, इसको घात को गुणा में कर दिया, अलग अलग कर दिया, एक बटे दो गुणा तीन कर दिया यहां पर, तो नौ की घात एक बटे दो, ये ब्रैकेट के अंदर ले लिए बाहर ले लिया, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा है, ये गुणा में होते ही है, तो गुणा में होते हैं ना, इनको आप ऐसा लिख सकते हो, इनको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, बाहर वाले को भी छोड़ देंगे, तीन घात को छोड़ेंगे मतलब किनारे लेकर रख देंगे, इसको चलते रहेंगे साथ साथ। तो नौ की घात एक बटे दो को सॉल्व करेंगे, बनेगा दो अंडर रूट नौ, दो अंडर रूट नौ। अब ये दो अंडर रूट में अंडर रूट गुणा तीन गुणा तीन, ये दो बाहर आएगा ना, ये दो था ये नौ, तो ये दो बाहर है तो इस नौ के टुकड़े कैसे करने पड़ेंगे, तीन गुणा तीन, तो दो अंडर रूट तीन गुणा तीन की घात तीन, ये तीन अपनी जगह चलता रहेगा। तो ये दो हटाएंगे यहाँ से, वर्गमूल हटाएंगे, क्या बनेगा तीन, तो इसका मान कितना आ गया अंदर के का तीन, तीन की घात ब्रैकेट की घात तीन, तो तीन की घात तीन बार जब गुणा करोगे तो सत्ताईस आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर खुद से करिए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर दो का सेकंड पार्ट। अब ये 32 की घात 2 बटे 5 है, तो चलिए इसको वैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि ए की घात 1 बटे एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन अंडर रूट ए, जहां ए बड़ा होगा जीरो से, ऐसा लिख सकते हैं हम यहां पर। तो चलिए क्या है सवाल, 32 की घात 2 बटे 5 है, 32 की घात 2 बटे 5 है, तो देखिए इसको अभी ऐसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, 32 की घात 1 बटे 5 गुणा 2 कर देंगे, 32 की घात 1 बटे 5 गुणा 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम 2 बटे 5 को लिख सकते हैं, 2 बटे 5 को 1 बटे 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप इसकी गुणा करोगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया, अब क्या करेंगे, अब हम इसको 32 की घात 1 बटे 5 की घात 2 कर देंगे, इसको अंदर ले लेंगे इसको बाहर, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने सूत्र करे हुए ऐसे, तो 32 की घात 1 बटे 5 की घात 2 ऐसा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक 32 की घात 1 बटे 5 की पूरे की घात 2। अब इसको अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, तो इसको कैसे करेंगे, अब हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाला ना उसको हल करेंगे पहले। तो 32 की घात 1 बटे 5 है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इसमें हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 32, और ये घात 2 अपनी जगह चलता रहेगा, इसको लिखा हमने अंदर वाले को 5 अंडर रूट 32। तो इसका क्या मान आया था, देखिए इसका आया था 5 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ब्रैकेट, और ये 2 अपनी जगह चलता रहेगा। अभी हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व कर रहे हैं, 32 की घात 1 बटे 5 को हमने क्या किया, अंदर वाले को सोल्व कर रहे हैं पहले ब्रैकेट के, तो 5 यहाँ पर आया 32, 32 कैसे टुकड़े जो 5 बार फैक्टर हो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी इस अंदर वाले का हमको अंडर रूट हटाना है यहाँ से, और ये 5, तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा और ये 5 भी हट जाएगा, तो 2, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व हो गया। क्या है इसका आंसर, ब्रैकेट के अंदर वाले का 2, लेकिन अभी ब्रैकेट के बाहर घात बच रही है, तो ये 2 ये आ गया। अब 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, कितना आंसर आया इसका 4। 32 की घात 2 बटे 5 था, बाकी हम जानते हैं कि 1 की घात 1 बटे एन
एन इंटू एन अंडर रूट ए, जहाँ ए बड़ा होगा जीरो से, 32 की घात 2/5 है, हम इसको 2/5 को हमने कर दिया 1/5 गुणा 2, अलग अलग कर दिया है ना। अब क्या है कि इसकी 32 की घात 1/5, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, 2 इसको बाहर को ले गए हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम क्योंकि हम ऐसा सूत्र पढ़ चुके। बराबर 32 की घात 1/5 को क्या सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को, हमें बाहर वाला नहीं लेना अभी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 5 अंडर रूट 32, 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये वाले इससे, अंडर रूट 32 की घात 2। अब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 5 32, देखिए 5 है यहाँ पर, तो 32 के टुकड़े ऐसे करेंगे जो 5 बार बने, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बन गया और 5 भी आ, 5 बार भी आ गए, 2 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। तो जब ये फैक्टर और ये अंडर रूट 5 हटाएंगे तो क्या निकलेगा, 1 2 निकलेगा बस, तो ब्रैकेट के अंदर वाले का क्या आया, 2 आंसर। अब बाकी हमारा बचा है ब्रैकेट के बाहर 2, तो 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2 2 दूनी 4, इसका आंसर आया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे क्वेश्चन खुद करके देखिए, नहीं होंगे कोई बात नहीं, कल बाकी मैं कराऊंगा इसके आगे, कल तो कराऊंगा ही, तो बाकी आज यही इतना रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाँ स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।